दोस्तों, भारत और रूस की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसने अमेरिका की धड़कने बढ़ा दी है। न कि केवल भारत ने अमेरिका को उसकी असली जगह दिखा दी, बल्कि भारत ने यह भी साबित कर दिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है तो इससे भारत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका को ही इसका नुकसान होने वाला है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट में मौजूद आंकड़ों के हिसाब से भारत और रूस का व्यापार 18 अरब डॉलर के भी पार जा चुका है, और ऐसा दोनों देशों ने केवल चंद महीनों में करके दिखाया है। मौजूदा समय में रूस भारत का सातवां सबसे बड़ा पार्टनर है, और इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर अगले एक से दो सालों में रूस भारत का चौथा या पांचवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाए। भारत और रूस के व्यापार ने यूक्रेन युद्ध के बाद से ही सबसे बड़ी गति पकड़ी है, जिसके बाद से दोनों देशों का व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत और रूस के बीच में रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म एक काफी बड़ी सफलता बनकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों का व्यापार केवल कुछ ही महीनों में दोगुने से भी ज्यादा का हो चुका है। और ये भारत और रूस के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे अमेरिका की एक काफी बड़ी योजना नाकाम हो गई है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका भारत को अपनी बात मनवाने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेता है, जिसके लिए जब भी भारत और अमेरिका के बीच में किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती तो अमेरिका इसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को समर्थन करना शुरू कर देता है और एक दो ऐसे बयान देता है जो कि भारत विरोधी हो, जिससे भारत के ऊपर दबाव बनता है और अमेरिका इस बात की उम्मीद रखता है कि इससे भारत अमेरिका की बात मान लेगा। लेकिन भारत ने भी अमेरिका के इन इरादों को अच्छे से समझ लिया है। वहीं भारत ने कई बार अमेरिका को यह बात साफ कर दी है कि वह पाकिस्तान का सहारा लेकर न तो भारत के ऊपर दबाव बना सकता है और न ही भारत से कोई काम करवा सकता है, बल्कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों को ही नुकसान होगा, क्योंकि भारत अमेरिका पर कभी भी एक मित्र की तरह भरोसा नहीं कर सकेगा। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि जहां एक तरफ अमेरिका और सभी पश्चिमी देश यूक्रेन को समर्थन करते हुए रूस के खिलाफ बढ़ चढ़कर कदम उठा रहे हैं, बिल्कुल उसी समय के दौरान भारत ने रूस के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध काफी अच्छे किए हैं। दोनों देशों का व्यापार काफी तेजी से बढ़ा और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत और रूस ने एक तरह से एकजुटता दिखाई है। भारत ने काफी बड़ी मात्रा में रूस का तेल और नेचुरल गैस भी खरीदा, साथ ही रूस का गेहूं और दूसरे उत्पाद खरीदकर उन्हें भारत के अंदर प्रोसेस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात भी किया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि न कि केवल मौजूदा समय में दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि भारत और रूस कई लिहाज से कूटनीतिक स्तर पर भी साझेदारी बनाकर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों का समान फायदा हो रहा है। जहां एक तरफ मौजूदा समय में भारत और रूस का व्यापार 18 अरब डॉलर से भी ऊपर का जा चुका है, वहीं पर इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले कुछ सालों में भारत और रूस का व्यापार 50 अरब डॉलर को भी पार कर सकता है। ऐसे में जब पहले भारत और रूस का व्यापार कम था, तब अमेरिका के लिए भारत को रूस का साथ छोड़ने के लिए प्रेरित करना कुछ लिहाज से आसान हो सकता था, लेकिन अब जब रूस भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में भी काफी अहम हो चुका है, साथ ही दोनों देशों का व्यापार भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तब भारत के लिए रूस का साथ छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और अमेरिका भी अब अपनी बेकार नीतियों की वजह से भारत को एक बहुमूल्य साथी के तौर पर काफी हद तक खो चुका है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने पूर्वी लद्दाख के दौरे के समय खुलकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर बयान दिए। वहीं पर ये बात कही कि भारत का लक्ष्य है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक बार फिर से भारत का हिस्सा बनाएं, और इसके लिए भारत कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, जो कि काफी बड़ी बात है। भारत अक्सर ये बात कहता आया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, जो कि सच भी है, लेकिन आज से पहले कभी भी भारत ने इतनी तेजी के साथ और ऐसे खास मौके पर इतने मजबूत शब्दों में बयान नहीं दिए, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने इस बार कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयानों में यह बात साफ तौर पर कही है कि भारत गिलगित बाल्टिस्तान तक जरूर पहुंचेगा, वहीं पर अपने हिस्से को एक करके रहेगा, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेने की योजना बना रहा है, बस इसके लिए सही समय की जरूरत है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के राजनीतिक और सामाजिक हालातों को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के इस बयान ने पाकिस्तान की सरकार और सेना में किस तरह की हड़बड़ाहट पैदा की होगी। फिलहाल ये देखना काफी अहम होने वाला है कि क्या भारत सच में पीओके के ऊपर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है या फिर नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।